फ्रेंड्स, किसी वीडियो को देखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात है कि आपने उस वीडियो को देखकर कितना फ़ायदा उठाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। इसी के साथ ही चार आपको मेथड बताऊंगा इसके, और जो मेथड मैंने खुद ट्राई किया, मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो आपके साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। इसी के साथ ही आपका आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक है या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप आसानी से अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने सिंपल टच मोबाइल से भी चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है या नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आखिरी तारीख आपको बता दूं। इसकी आखिरी तारीख जो फिलहाल मेरे ये वीडियो बनाने तक गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, वो है 31 दिसंबर 2017। यानी कि इससे पहले पहले आपको अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा लेना होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जब तक आप अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा लेते, तब तक दोबारा से आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो बेटर है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, आप जल्दी से आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो पहला मेथड है वो है कि आप बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहां अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट से लॉगिन कीजिए। वहां पर आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर अपने आधार कार्ड को आप बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको नेट बैंकिंग की जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपके साथ जानकारी इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो है HDFC बैंक अकाउंट, एंड सेकेंड है एक्सिस बैंक में। दो बैंक अकाउंट हैं मेरे, और अगर इनमें से मान लीजिए मैं आपको किसी नेट बैंकिंग में ये मेथड बता भी देता हूँ, तो इतने सारे बैंक हैं फ्रेंड्स, उनका सबका अलग अलग मेथड होगा, तो इस तरह से आप अपना अकाउंट लिंक नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, सेकंड जो अच्छा मेथड है वो है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो, उस नंबर से आपको SMS सेंड करना होगा। लेकिन इसमें भी क्या मुश्किल आएगी फ्रेंड्स, कि हर बैंक का अपना अलग अलग मेथड है कि आपको क्या टाइप करके सेंड करना है, किस नंबर पर सेंड करना है, तभी आपका अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक हो पाएगा। क्योंकि मैं जो आपको अगर प्रोसेस बताता हूँ एक्सिस बैंक के साथ या HDFC बैंक के साथ, आपका किसी और बैंक में अकाउंट होगा और आप उस मेथड से मैसेज सेंड करेंगे तो आपका अकाउंट लिंक नहीं हो पाएगा। अगर आप SMS के थ्रू आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो तो उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका कस्टमर केयर नंबर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। उस नंबर पर आपको फ़ोन करना होगा। वहाँ पर आपसे जो भी ऑप्शन पूछा जाए, आपकी कस्टमर केयर ID या फिर आपका फ़ोन बैंकिंग नंबर, वो आपको बताना होगा। उसके बाद कस्टमर केयर अधिकारी से आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि आपको क्या SMS सेंड करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाए। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, SMS सेंड कर लेते हैं, तो 48 आवर्स के अंदर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। और फ्रेंड, जो थर्ड मेथड सबसे अच्छा लगा मेरे को, और मैंने ये मेथड खुद ट्राई भी किया, मैं साथ में आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका जो ATM कार्ड आपके पास है, तो उसी बैंक की ATM मशीन में आपको जाना होगा। वहाँ पर मशीन में आपको कार्ड इंसर्ट करने के बाद आधार कार्ड को लिंक करने का ऑप्शन आएगा, तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना होगा, फिर आपको दोबारा से नंबर भरना होगा, यानी कि दो बार आपको आधार कार्ड नंबर भरने के बाद वहाँ अपडेट पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप आसानी से ATM मशीन से अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। ये मेथड मेरे को सबसे बेस्ट लगा, और मैंने अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट को आधार कार्ड के साथ कल इस तरीके से ही अप्लाई किया है। और इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी जो कि ATM मशीन में से ही आपको मिल जाएगी, और 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। अगर ये तीनों मेथड भी आपको मुश्किल लगे, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जल्दी से बैंक में जाएं, वहाँ के एम्प्लॉय से बात करके अपना आधार कार्ड नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने टच मोबाइल से, स्मार्टफोन से आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही ये प्रक्रिया करनी होगी। तो देख लीजिए किस तरह से करना है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप साथ में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको टाइप करना है *99*99*1#। इसके बाद आपने ये डायल कर देना है।
डायल करने के बाद कुछ सेकंड में आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर भरना होगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेंड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ये आ जाएगा, योर आधार नंबर इज, तो आपको यहाँ पर 1 टाइप करना होगा कन्फर्म करने के लिए। इसके बाद आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ही सेकंड में आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। देखिए, ये मेरा HDFC का अकाउंट है जो कि मैंने 7 फरवरी 2017 को ही आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लिया था, और मेरा जो एक्सिस बैंक का मैंने कल ही अप्लाई किया है, वो मे भी कल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ये बताइए कि आप किस डेट तक अपना आधार कार्ड लिंक कर लेंगे और इस यूज़फुल वीडियो को कितने लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखकर उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हो और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, तो ज़्यादा लोग ऐसी वीडियोज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से मिस्टर ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप मिस्टर ग्रोथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब भी आपके साथ शेयर करूँ तो वो आपकी मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।